नमस्कार, संजना के घर की अंगीठी में आपका स्वागत है। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। मैंने 500 ग्राम गाजर लिया है, इसे मैंने छील करके धो लिया है। इसको कद्दूकस करूँगी और इसमें देख लेते हैं मैंने क्या क्या और सामान डालना है। मैंने 150 ग्राम खोया लिया है, 150 ग्राम चीनी है और 200 ग्राम दूध है, 10-12 काजू हैं, 10-12 बादाम हैं, 15-20 किशमिश हैं। पहले मैं गाजर को कद्दूकस कर लेती हूँ। एक बड़ा बाउल ले लिया है, इसमें मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा गाजर लिया है ताकि आराम से अच्छे से कद्दूकस हो जाए। पतले गाजर में थोड़ा कद्दूकस करने में दिक्कत होती है और मोटी गाजर बड़े आराम से कद्दूकस हो जाता है। और गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है, अभी सीजन भी है इसलिए बना रहे हैं। आप भी बनाइए, जरूर ट्राई करिएगा एक बारी ये गाजर का हलवा, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है और खोए को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ये काजू और बादाम को भी मैं बारीक काट लूंगी। और 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। गाजर को पहले मैं घी में भूनूंगी। तो चलें हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक कढ़ाई ले लिया, गैस पे रख दिया, गैस भी जला लिया है, कढ़ाई भी गर्म हो गई। मैं इसमें घी डाल देती हूँ। अपना गाजर डालती हूँ इसमें, गर्म हो गया था। मैं फिर गाजर को 5 से 7 मिनट तक ऐसे भून लूंगी गैस पे। फिर इसके बाद में मैं इसमें दूध और चीनी डालूंगी। देखिए, इसे बहुत ज्यादा तेज आंच नहीं रखना, नहीं तो जल जाएगा। तो मीडियम में ही रख के भूनिएगा इसे और चलाते रहना है। पाँच सात मिनट हो गया है भूनते हुए। अब मैं इसमें दूध और चीनी डाल देती हूँ। मैं अब इसमें दूध डाल देती हूँ और चीनी भी डाल देती हूँ। अभी मुझे इसे जब तक भूनना है जब तक इसका पानी सारा सूख ना जाए, ड्राई ड्राई सा ना हो जाए, तब तक इसे भूनना है। ऐसे गैस पे पकाते रहना है और आंच थोड़ा तेज कर लेते हैं और चलाते रहना बीच बीच में, नहीं तो जल जाएगा। मैं अपने ये सारे ड्राई फ्रूट बारीक बारीक काट लेती हूँ और किशमिश को मैं ऐसे ही डालूंगी, उसको नहीं काटूंगी। देखिए, मैंने बारीक बारीक काट लिया है इसको। ये देखिए, काफी ये भून गया है, लेकिन अभी भी तैयार नहीं हुआ है। मैं अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। देखिए, ड्राई फ्रूट मैंने बारीक काट लिया था, डाल देती हूँ। इसे मुझे और भूनना है थोड़ा, ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर बाद में भून जाएगा, अच्छे से भून जाएगा तब ठंडा हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसमें मैं खोया डालूंगी। चलाते रहना, नहीं तो जल जाएगा नीचे से। ये देखिए, मेरा ये हलवा लगभग तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा खोया भी डालती हूँ, थोड़ा ठंडा करके फिर डालूंगी।
मैंने सारा खोया नहीं डाला, थोड़ा सा बचा लिया है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। गैस बैंक बंद कर दूंगी, ठंडा हो जाएगा फिर डालूंगी। मैं गैस तैयार हो गया है, मैं गैस बंद कर देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर दोबारा मैं इसमें खोया डालूंगी थोड़ा सा। और बनकर तैयार हो गया है, मैं इसमें थोड़े गार्निश के लिए ये ड्राई फ्रूट रखी थी ये डाल देती हूँ। थोड़ा सा ऊपर से खोया डाल देती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है और बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।